नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूडाइज्ड बेड बॉयलर के बारे में। जो फ्लूडाइज्ड बेड बॉयलर है वो उसके कौन कौन से उसके कंपोनेंट हैं और वो कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फ्लूडाइज्ड जो बेड बॉयलर है, इसको नाम ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर हम एक फ्लूड का यूज करते हैं, जिस फ्लूड की हेल्प से हम अपने जो हमारा फ्यूल है उसको बर्न करते हैं। तो फ्लूड क्या होता है, जो कि फ्लो कर सके। तो इसके अंदर हम एयर का यूज करेंगे, जो कि हमारी हेल्प करेगी फ्यूल को बर्न करने के लिए। तो इसलिए फ्लूडाइज्ड बेड बॉयलर इसको नाम दिया गया है कि एक फ्लूड का यूज करेंगे जो कि फ्लो करता है, और वो हम यूज करेंगे एयर। तो एयर हमारी यूज होगी इस तरह की, इसकी जो शेप होगी, जो फ्लूडाइज्ड बेड बॉयलर होता है, ये हमने डायग्राम दिखाई है। तो जो एयर है, हाई प्रेशर एयर यहाँ से एंटर करती है। तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर एयर यहाँ से एंटर करती है। यहाँ पे देखिए ओपनिंग दी गई है, ये है बेड जिसके ऊपर फ्यूल बर्न होगा, जो कि हमारा होगा कोयला जो होगा उसके लिए इस तरह की इंक्लिनेशन के साथ कोयले को अंदर जाने के लिए ओपनिंग दी जाती है, ताकि जो कोयला है वो अंदर जाए। लेकिन यहां से क्या है, हाई प्रेशर जो एयर है नीचे से ट्रेवल करेगी, जो कि बेड से पार करेगी, बेड के बीच में भी इसकी ओपनिंग होती है। तो जैसे ही ये एयर यहां से पास करेगी, देखिए जो बेड को स्लोप दिया गया है इस तरह से, इंक्लिनेशन पे स्लोप दिया गया है, सीधा हॉरिजॉन्टल नहीं है, इंक्लिनेशन पे स्लोप दिया गया है। ये क्यों दिया गया है, ताकि यहाँ पे एक सर्कुलेटरी एयर का मोशन क्रिएट किया जा सके। वो कैसे, देखिए जब भी हाई प्रेशर एयर यहाँ से एंटर करेगी तो यहाँ से वो हाईर स्पीड पे मूव करेगी। इसी तरह से अगर दूसरी ओपनिंग की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ी कम वेलोसिटी होगी, इसी तरह यहाँ पे कम वेलोसिटी होगी और यहाँ पे सबसे कम वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। तो हाईर वेलोसिटी के साथ क्या होगा, एक यहाँ पे सर्कुलेशन बनेगा जो कि फ्यूल को सर्कुलेट करेगा। हमारा फ्यूल क्या है, सॉलिड फ्यूल क्या है, कोल, जो हम कोयला यूज कर रहे हैं वो यहाँ से आएगा। लगभग 12 mm तक के साइज का हम कोयला इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ताकि इजिली जो हमारा कोयला है बर्न हो सके। फ्लूडाइज्ड जो बेड बॉयलर है, इसके अंदर हम डिफरेंट क्वालिटी ऑफ जो फ्यूल है यूज कर सकते हैं, जो कोयला है काफी डिफरेंट क्वालिटी का यूज कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा एफिशियंट होता है ये बॉयलर। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, जैसे ही कोयला यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से वो एयर जो आएगी नीचे से, वो इसको इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट करेगी। यहाँ पे एयर जो है हाई वेलोसिटी के साथ सर्कुलेट करेगी, तो वो फ्यूल को भी हवा में ही सस्पेंड कर देगी। इस तरह से जो फ्यूल के पार्टिकल हैं वो हवा में ही अटक जाएंगे, हवा में ही फ्लो करते रहेंगे, और यहीं पे इनकी बर्निंग होगी। और यहाँ पे बर्निंग होने से क्या होगा, इसमें से जो हॉट गैसेस निकलेंगी, जो हॉट गैसेस हैं, उन हॉट गैसेस को दे दिया जाएगा बॉयलर को, तो यहाँ पे फ्यूल बर्निंग होगी। और यहाँ पे देखिए, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें कि यहाँ पे हमें जो इग्निशन चाहिए, तो यहाँ से लिक्विड फ्यूल की सप्लाई भी दी जा सकती है। तो लिक्विड फ्यूल सप्लाई के लिए भी यहाँ पे ओपनिंग दी गई है कि स्टार्टिंग में, या फिर हमें जब भी रिक्वायरमेंट है, लिक्विड फ्यूल की सप्लाई हम इसके अंदर कर सकते हैं। सॉलिड फ्यूल की सप्लाई तो हम करेंगे ही, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लिक्विड फ्यूल की सप्लाई भी की जा सकती है। यहाँ पे ये जो वाल है, इसको डिफ्लेक्टर वाल बोलते हैं, जो डिफ्लेक्ट करने का काम करती है जो हमारी गैसेस हैं, तो डिफ्लेक्टर वाल भी आप इसको बोल सकते हैं, जो हमारी एयर है या जो गैसेस हैं उनको डिफ्लेक्ट करने का काम करती है और उनको एक पाथ देने का काम करती है। यहाँ पे ओपनिंग दी गई है बर्नर के लिए, अगर हमें बर्नर की जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग में फ्यूल को बर्न करने के लिए, या हम लिक्विड फ्यूल की हेल्प से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो बर्नर के थ्रू हम उसको बर्न करते हैं और इस बॉयलर के अंदर जो कम्बशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से एयर के अंदर ही जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड रहते हैं, और सस्पेंडेड ही वो जलते हैं, और जो ऐश बनती रहती है वो हमारी यहाँ पे ऐश पिट के अंदर चली जाती है। ये है ऐश पिट, ऐश पिट है, जो भी राख बनेगी वो इसके अंदर आती रहती है, और इस तरह से यहाँ पे कंबर्शन होता रहता है और हॉट गैसेस बनती रहती हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं।
तो इस तरह से फ्लूडाइज्ड बेड बॉयलर काम करता है। इसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं, इरोजन से बचता है, जो मेनली जो ये बेड होता है सैंड का यूज किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप और किसी चीज का भी इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हमारे पास जो सॉलिड फ्यूल है उसके अंदर हाई सल्फर कंटेंट है, तो इसके अंदर लाइमस्टोन को भी मिलाया जाता है, तो लाइमस्टोन भी इसके अंदर डायरेक्टली इम्पार्ट किया जाता है, अंदर डाला जाता है, ताकि जो SO2 है, जो SO2 होती है वो ह्यूमन के लिए काफी पॉइजनस होती है, तो इसलिए इसको एब्जॉर्ब करने के लिए लाइमस्टोन को डाला जाता है, ताकि वो इसको कैप्चर कर सके और ये जो SO2 है कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो लाइमस्टोन को भी इसके अंदर डाला जाता है डायरेक्टली, तो ताकि ये इसको SO2 को बनने से बचा सके, और जिससे पॉइजनस गैसेस या पॉइजनस जो हमारा SO2 है वो बाहर ना जाए एटमोसफियर में, जो ह्यूमन के लिए हानिकारक हो। तो इस तरह से फ्लूडाइज्ड बेड बॉयलर काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।